हाय वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। समा एग्रो एंड लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड पर है हम डॉक्टर आरिफ पिछले के साथ जी। इनका नंबर है 9892023261। करेक्ट। इनके पास खेड़ में अपेरेंटली सबसे बड़ा बकरियों का सेटअप है जी, ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग सेटअप एंड द नंबर ऑफ गोट्स एज वेल। ही इज गॉट अ बिग फार्म। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बकरियां आपकी कैसे मेंटेन करते हो, क्या खिलाते हो बकरियों एंड हाउ डिड यू मैनेज टू अचीव यू नो सच सक्सेस इन ब्रीडिंग? क्योंकि बच्चे अगर हम बता दें यहाँ पर एक झलक बता दें लोगों को, बच्चे देखिए इनके पास कितने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 75 और कितने तो इन्होंने बेच दिए, बेच भी दिए। सो हाउ डिड यू मैनेज, व्हाट इज द फंडा बिहाइंड योर सक्सेस? आई स्टार्टेड फ्रॉम, मैंने फार्म लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 2022 में। तो मैंने 50 गोट्स के साथ स्टार्ट किया था जिसमें फीमेल्स भी थे, मेल भी थे, बच्चे भी थे, सब मिक्स थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एज टाइम पास्ट मैंने कुछ बाहर से परचेज़ की, ज़्यादा नहीं, मैं 20-30 बाहर से परचेज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काउंट बकरियों का स्पेसिफिकली 80-90 है जो अभी करंट जो ब्रीडिंग में चालू बकरी है। ये सारी ब्याने वाली है ना? जी जी जी, दे ऑल कैन कंसीव जी। इसमें से कोई बकरी सेल आउट के लिए नहीं है, हाँ इनके बच्चे सेल आउट के लिए रहेंगे। ये ऑन एन एवरेज क्या उम्र की बकरियाँ है? ये बकरियाँ मैंने लिया था, दंत लिया था कुछ। अच्छा, दो दांत पे लिया था। और कुछ बकरियाँ अभी है मेरे पास मोस्टली जो 8 दांत पे है। कुछ बकरियाँ अभी मैं ऐसा है जो ब्रीडिंग सेटअप में है, बकरियों को मैं 2 दांत के बाद क्रॉस करता हूँ मेनली। और एक बकरी जो होती है पूरी अपने लाइफ स्पैन में कितने मरतबा बच्चे देती है? लाइफ स्पैन लाइक बकरी अगर अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी नस्ल की हो, तो बकरियाँ 10-10 साल तक भी बच्चे देती है। मतलब अच्छी नस्ल की बकरी हो, जैसे मेरे पास एक बहुत पुरानी नस्ल की हंसा बकरी है, बहुत मेरी मतलब फार्म की पहली बकरी बोल सकते हैं। कहाँ पर है जी? ये रही, ये काफ़ी मतलब बहुत पुरानी बकरी है और अच्छे एकदम नस्ल की बकरी है ये। और मैंने ये इटावा से मंगवाई थी, देखिए ये बहुत 8 दांत, देखो 8 दांत भी बिल्कुल घसे हुए हैं इसके। बहुत अभी भी दे रही है बच्चे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसका एक बच्चा है, अभी फिर से गाप। और किसे गाप की हो आप? ये हैदराबादी से? हैदराबादी से नहीं, ये हैदराबाद मतलब जैसे हंसा वगैरह बकरियाँ है ना, एक बार बच्चे देने के बाद ना ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप रहता है और उसको जो ब्रीडर मतलब हंसा है तो हंसा के लिए स्पेसिफिक। अच्छा, हंसा ही बकरा लगाता है। ओके ओके ओके। कैसे कितने निकालती है एट अ टाइम? ये 2 बच्चे देते। आपने बोला था एक बार 3 निकाली थी फिर कुछ? वो दूसरी बकरी थी। okay. ये बकरी नहीं, जैसा ये बीटल बकरी है। कुछ बच्चे हैं अंदर, कैन वी हैव अ लुक? ऐसा बच्चे बहुत सारे, तो कौन सा किसका बच्चा है ये मैनेज करना इम्पॉसिबल है। तो आप कोई भी बच्चे हो किसी भी माँ से दूध पिला देते हो? बिकॉज किसी के पास दूध, कोई माँ के पास दूध कम होता है जैसा रहता है, हर बकरी के पास इक्वल दूध नहीं रहता। कोई बकरी 3 बच्चे भी देती है लेकिन दूध रहता है तो सिर्फ एक बच्चे को पिलाने के लिए सफिशिएंट रहता है। अरे भाई बकरियों की कीमत क्या चलती है, एट व्हाट प्राइस डिड यू बाय? बकरियों की कीमत मैंने जब बाय किया था बहुत अलग थी। अभी अगर आप एक हंसा बकरी लेने जाएंगे तो ये लाख रुपए से अच्छी नस्ल की, लाख 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। कोटा तो मैंने देखा, लोग 2 लाख मांगते हैं। नहीं नहीं सही बात है, कोटा के लिए तो है ही, क्योंकि मैंने कोटा अभी मैंने स्पेसिफिकली कोटा नहीं रखा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने सोजत रखा हूँ और हंसा में है। ओके। और सुरोही बकरियाँ है, गुजरी में है कुछ। और बकरियों में क्या खाने को दिया जाता है इनको? बकरियों क्या में ऐसा है कि फीड सेम होती है, बस क्वांटिटी थोड़ी मतलब हरी पत्ती वगैरह की फुल होती है, बस जो दाना होता है जो मेल को जितना दाना जाता है उससे थोड़ा कम जाता है क्योंकि लेकिन दाना कंपलसरी है बकरियों के लिए। अगर दाना बकरियों को नहीं देते तो उनके फिर दूध के प्रोडक्शन में बहुत कमती आती है। ओके ओके। और कुछ बकरियाँ तो एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी की, फॉर इंस्टेंस दिस वन सोजत, बड़ी वाली सोजत बकरिया है, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी। गुजरी है, गुजरी है जी, ये गुजरी में है ना? ये जो बकरी है ये बहुत छोटी बकरी थी, मैंने लिया था माशाल्लाह, ये मैंने लिया था 3 महीने की बकरी थी। और ये बिग फ्रेम मैन, व्हाट अ बिग फ्रेम। ये बकरी मैंने इसका मतलब ये क्रॉस ब्रीड में है, ये प्रॉपर गुजरी नहीं है। इसकी माँ गुजरी थी, इसका जो बाप था वो पतीरा में था। ओके। ये 3 महीने का बच्चा था। और ये बच्चे कैसे निकालती, इसको किससे क्रॉस करते हो? सोजत ब्रीडर है अपने पास? सोजत ब्रीडर है अपने पास, उससे क्रॉस करते। ये अभी सेकंड टाइम गाप है, इसको मैंने फर्स्ट टाइम गाप किया था 8 दांत जब करने के बाद जी, जी, जी। तभी इसका फ्रेम इतना ज्यादा खुला हुआ है। और कैसे निकाली इसने बच्चे? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसका गुजरी बच्चा मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जो भी था बहुत हेल्दी बच्चा था। और अब फिर से गाप है ये। और ये बकरी का एक हिस्ट्री है, इसका जो पीछे का जो पैर था वो फ्रैक्चर्ड हो गया था। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा 2 पीस में था। अच्छा। तो उसको ऐसा था कि ये बकरी को रखना भी मतलब थोड़ा ये हो रहा था, इसका वीडियो भी है मेरे पास,
तो उसमें ऐसा था कि बकरी का जो पैर था बिल्कुल दो पीस में था, कौन सा सर्वाइवल, जो पीछे का जो पैर था, हाइंड। और तो उसको प्लास्टर वगैरह किए थे, थोड़ा उसको ये किए थे, और अलहमदुल्ला ये देखो आप, उसके चाल वगैरह में भी कोई ये नहीं है। उल्टा फार्म की सबसे बड़ी लेंथ की बकरी ये है। कौन सी बकरी है जो अपने फार्म पे ही पैदा हुई है, इसमें से कुछ है हमारे पास? जी है, काफी बकरियां ऐसी है जो फार्म पे पैदा है। ये बकरी वो देखो, वो बकरी का फ्रेम क्या बड़ा है। हाँ, वो बकरी भी है माशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये अपनी फार्म की पैदावार है। वो तो ये देखिए, ये बकरी है मालवा में, मालवा में है, और इसकी माँ भी आपको मैं बताता हूँ माशाल्लाह। इसकी माँ यहीं ये बेचना है मैंने चांस आपको? नहीं नहीं, बकरियाँ नहीं, नॉट फॉर, वो देखो वो उसकी माँ है जो लाइट ब्राउन कलर में। अच्छा, ये तो उसी की माँ है जो आपका जो ब्लैक, हाँ, फेमस जो ब्लैक मालवा जो बकरा फेमस है, था, जो ब्लैक बुल ब्लैक है ना, बुल, ब्लैक बुल उसका फर्स्ट बच्चा था। उसको फेमस कह सकेंगे यार, पब्लिक की दीवानी है वो बकरी की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसका इतना क्रेज, उतना इतने कॉल्स आए ना मेरे को उसके लिए स्पेशली। वो उसका फर्स्ट बच्चा था, बच्चा है ना, हाँ, ब्लैक बुल उसका बच्चे बच्चा निकाल दिए। और वो बुल सिंह जो है ना, वो माँ के ऊपर जाती है, माँ के ऊपर। आप देख लीजिए बकरी का, देखोगे उसका सिंह थोड़ा कट किया हुआ है, क्योंकि वो आंख में पियर्स कर रहा था, तो इसीलिए उसका सिंह थोड़ा कट किया हुआ है। माँ की ही बुल जैसी सिंह है, तो अपने बच्चे निकाल। देखिए इसका भी एक सिंह ऊपर है, एक सिंह मुड़ा हुआ है। ये क्या उम्र की होगी? ये अभी 8 दांत हो गई होगी मेरे पास जब आई थी, 2 दांत की थी, 1.5 साल हो गया। ये तो सस्ती मिली होगी ना, मालवा बकरी। हाँ, मालवा बकरी थी ये, असल में इसकी भी 15,000, हाँ 15,000 के आसपास आई थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी फोर्थ है, ये उसका सेकंड बच्चा है। मुझे अभी आपके यहाँ पे देखने के बाद ना बकरियाँ पालने का शौक हो गया है, और मैं लूंगा तो मालवा बकरी ही लूंगा। मालवा बकरी, मालवा बकरी और सोजत बकरी, आपको मैं सोजत बकरियों में भी क्वालिटी बताऊं, मालवा ही लूंगा, क्योंकि आपका जो बकरा देखा उस पर दिल आ गया। देखिए और एक मालवा बकरी है, यही रही एक ही है, इसका कलर पैटर्न बहुत अच्छा है। तो इनमें इफ यू देखो, सबकी सिंग वैसी है, पीछे गई है, बारिंग वो वाला जो मालवा बकरी है, वैसे सिंग वाली और कोई बकरी है हमारे पास? उनके बच्चे देखना है कैसे निकलने वाले हैं। नहीं आप वैसे मैं सिंग वाली नहीं, नहीं वैसे सिंग वाली ना, आपको मैं एक पंजाबी बकरी दिखाता हूँ, वो रही तो पंजाबी टूट गई, देखो लटक रही है। हाँ, उसकी जो सिंग है, बकरियों में सिंग वगैरह ये नहीं रहता, हाँ, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है, हम देखे बच्चे जो है, ऐसा है कि वो सिंग वगैरह कभी किसी की सिंग बहुत ढीली होती है या ऐसा कुछ रहता है बकरियों में? नहीं, लेकिन जो बच्चे निकालती है, बच्चे जो है, हाँ, माँ जैसी सिंग वाले भी आते हैं ना, जैसे नहीं, लेकिन उसकी सिंग प्रॉपर थी। वो ऐसा है कि वो अभी थोड़े से एच पे अटकी हुई है। अच्छा, दूसरी बकरी, जैसे एक बकरी है आपके पास, ये कौन सी, कौन सी? ये कोटा में, ये कोटो में है, इसे निकाली है बच्चे? नहीं अभी इसका, अभी देगी ये कोटा ब्रीडर से है, नहीं तो कोटा ब्रीडर नहीं, ये मैंने हंसा से क्रॉस किया हूँ। ये भी मजा आएगी इसका नस्ल, क्योंकि हंसा का जो, हाँ, मिक्स करते क्या निकलता है, मुझे जो गुलाबी जो बकरा रहेगा ना, हाँ, क्योंकि कोटो में देखो इसका पूरा कान वगैरह ब्लैक, ये है काले में है, और मेरे पास जो हंसा है वो गुलाबी में है, तो ये उस बकरियों में से अभी इसका रिजल्ट रहेगा। लक्ष्मी कॉलिंग या। और दूसरी बकरी मैं आपको बता दूं, वो पंजाबी बकरी है, स्पॉट्स वाली, ये भी बहुत सुंदर है, हैदराबादी, ये हैदराबादी बकरी है, बहुत सुंदर है ये, अभी तक एक भी बार बच्चा नहीं दिए, ये अभी गुलाबी, ये अभी 2 दांत पे है शायद, ये मेरी वन ऑफ द, हाँ ये अभी 2 दांत पे है। ये कौन सी है, ये चिटली जो है, ये कौन सी नस्ल में आएगी? दिस वन, वो जो गई है वो पंजाबी बकरी है, ये वाली और ये उसका बच्चा है, फर्स्ट किड है उसका। कौन सी, ये वाली, ये जो बकरी है ब्लैक कलर की, ये वो पंजाबी बकरी का बच्चा है, ये जो है। ओहो, क्या बकरी है यार, ये तो मैं नजर ही नहीं गई थी, कितनी बड़ी हाइट की है ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी 40 हाइट की बकरी है, और ये उसी का बच्चा है, इसका एक दूसरा बच्चा भी तो है। बच्चा वैसा मजेदार नहीं निकाली है, बकरी है ना ऐसे है। इसके 2 बच्चे हैं, हाँ। एक बच्चा है जो फुल कान वगैरह से लेके पूरा गुलाबी कान है, तो किसे और बकरी आपने? ये जो बकरी थी ये मेरे पास, मैंने दूसरे फार्म पे रखा था, वही एक हैदराबादी बकरे से क्रॉस हो गए थे, गुलाबी हैदराबादी एक्सपेरिमेंट, इसको उससे क्रॉस करो कैसा निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा, आप रिजल्ट में आपको बताऊंगा। आप क्या देखने के लिए क्यूरियस हो? मैं देखने के लिए क्यूरियस हूं कि भाई कोटा और हंसा को कैसे बच्चे निकलते हैं। कोटा और हंसा के कान जो होते हैं फोल्डेड कान रहते हैं, तो आप अगर उनको जब मैच करेंगे तो कोटा की हाइट होती है, हंसा हाइट नहीं लेते, तो अगर वो कॉम्बिनेशन जो आएगा, अगर माँ की हाइट अगर आती है वो बच्चे के अंदर, तो आप सोचिए हंसा अगर आएगा ब्रीडर, अगर कोई बच्चा आता है तो हंसा भी हाइट अच्छी लेगा। और मेंटल तो दोनों माँ बाप है, दोनों है ना, तो उनका तो अलग ही क्रेज होगा, रुबाब होगा। ये भी देखो कितनी बड़ी, मैं आपको अजमेरा बकरी है, ये अजमेरा बकरी है, दिस इज आल्सो शी इज आल्सो वेरी बिग जी। ये भी सब अभी ऑलमोस्ट जितनी बकरियाँ हैं सब गाभिन है, और ऐसा रहता है कि ब्रीडर चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंट ब्रीडर रहता है, उसको 2 महीने 3 महीने तक घसा के लेता, ऐसा नहीं होता,
ब्रीडर हर 15 डेज में, हर 10 डेज में आपका मेन ब्रीडर है। और जो ये जो मेन ब्रीडर है ये हैदराबादी है, ये हैदराबादियों के लिए, हैदराबादियों, ये हैदराबादी और सोजत बकरियों के लिए। सोजत हैदराबादी का रिजल्ट बहुत अच्छा, हंसा रहता है, जो कोटा अपना अजमेरा बकरी है उनके लिए सोजत है मेरे पास। ये देसियों में है ये वाली? नहीं, ये देसी बोल सकते हैं या हाँ क्रॉस में बोलो, बड़ी फ्रेम की, बड़ी फ्रेम की अच्छी बकरी। इसको आप किससे क्रॉस किए हो? सोजत से। कैसा निकला आप? अभी बच्चा आया नहीं, ये भी फर्स्ट टाइम, अभी मेरे पास फर्स्ट टाइम बच्चा देगी ये। मैं रहूँगा तो कारोली से करूँगा, कारोली एक कोटा मेल ब्रीडर लेके आओ आप, कारोली कोटा इंशाल्लाह। अभी कोटा ब्रीडर की भी अभी खोज है, कारोली कोटा लाओ, कारोली मेरे पास चार बकरियाँ है, नस्ल का लेके आओ, मजा आएगी फिर। नहीं, मेल ब्रीडर जितना अच्छी क्वालिटी का होता है बच्चे वो अपने पे लेके आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बकरी उसने तीन बच्चा दिए। और ये कौन सी है ये वाली? ये जो ये मालवा बकरी है, मालवा है जी, नाइस। और मैं आपको, और ये बटली, ये भी मालवा है? हाँ ये भी मालवा है, ये भी बाहर से आई है, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम बच्चा देगी अभी। इसको अपने ब्लैक बुल से क्रॉस करवाया हो क्या आपने? ये देखिए, ये जो बकरियाँ है, ये जो बकरी है स्पेशली, ये मैंने जब लिया था ये 5-5 महीने के बच्चे थे। अच्छा जी जी। और अभी ये मेरे पास शायद फर्स्ट टाइम बच्ची देगी। किससे क्रॉस किया आपने? सोजत से। कौन सा सोजत ब्रीडर? सोजत ब्रीडर है, दो है, एक मुंडा है, एक सिंह वाला है। लेकिन वो ना अभी नहीं, अच्छे 2-4 दांत पे है। ओके ओके। और उनके जो बच्चे आते हैं तर गुलाबी में आते हैं, ये जो स्पॉट्स वगैरह भी होते हैं ना जो जी, वो भी उन लोग माइनस कर देते हैं। बच्चों की मोर्टैलिटी कितनी है समझो आप? बच्चों की ये साल कितने बच्चे डिलीवर की होगी आपकी सारी बकरियों ने मिला के? अपना अभी आप देखेंगे तो अभी मोस्टली एक दो कुछ बच्चे बकरे थी साल भर में, ऐसा कोई काउंट नहीं है। और अलहमदुल्ला प्रोडक्शन इतना है कि मैं खुद काउंट नहीं रख सकता। डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास है, एक्सेल शीट में मैं प्रॉपर उसको मेंटेन करता हूँ। लेकिन आप अगर काउंट बोलते हैं तो मैं बोल नहीं सकता कि ये बकरी का कौन सा बच्चा। व्हाट इज द मोर्टैलिटी परसेंटेज ऑफ योर? मोर्टैलिटी परसेंटेज कितना है? आप पकड़ लीजिए 10% पकड़ लीजिए, 10% 100 में 10 विच इज ओके ओके। एंड छोटे बच्चों में आपको, अगर आप छोटे बच्चों, बड़े बकरे पालना बहुत आसान है। Absolutely. जो बकरियां जो पालना है, बकरियां और उनके बच्चों पे जो ध्यान रखना है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और एक एक बच्चियों को जो बच्चे रहते हैं उनको दूध पिलाना, दूध ज्यादा हो जाता है डायरिया हो जाता है, और बहुत कम भी दूध पीते हैं तो वो लोग कमजोर हो जाते हैं। आई लाइक, एंड बिसाइड्स आपके बकरे तो वेल फेड है ही, I must commend you for an outstanding job. All your female goats look so well fed. आपको कोई भी ऐसे नहीं कि जिसके पेट अंदर देखिए, ये खाली बकरी है। खाली बकरी है ये, आप इसका पेट देखिए, आपको कहीं किसी एंगल से आपको हड्डियां नहीं दिखेगी, बिल्कुल कमजोर, कोई बकरी मुझे कमजोर नहीं लग रही। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट जो बच्चा दिए, अलहमदुल्ला तीन बच्चा दिए उसने, हंसा बकरी है ये देखिए। ये देखिए इसकी एक सिंग गुलाबी में और इसकी एक सिंग ब्लैक है। ये उससे बेटर लग रही है फ्रेम में, है? फ्रेम में उससे बेटर है। बाल की क्वालिटी देखो इसकी, बाल की क्वालिटी है, गुलाबी है पूरी बकरी। और चेहरा कितना अच्छा है। और ये 6 दांत पे है अभी, माशाल्लाह। और ये अभी 3 दिन पहले बच्चा दिया और अब इसकी फिटिंग देखो, अभी भी हंसा बच्चे निकले, हंसा बच्चे निकले हैं दो मेल एक ब्रीडर के, जैन के। जैन अभी मुझे भी आइडिया नहीं रहता है कि नहीं, ऑलरेडी नहीं, ये मेरे पास बहुत पुरानी बकरी, ये भी छोटी बच्ची आई थी मेरे पास, ठीक है। तो ये है इनकी बकरियों का सेटअप, वाकई में बहुत बेहतरीन जॉब है, कीप अप द गुड वर्क। बकरियाँ पालते हो दूसरों लोगों की? नहीं नहीं, ये बकरियाँ का ऐसा है कि मैं अपनी खुद की बकरियाँ, मैं अच्छा। इस शेड में सिर्फ बकरियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको पर्सनली विजिट करना है, जिसकी मैं कॉल 9920232261 खेड़ में है। खेड़ में कहाँ पर है हमारा? खेड़ में आप गूगल मैप से लोकेशन डालेंगे, समय प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू सो मच, तो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सर।